तुनिशा शर्मा सुसाइड केस को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रही हैं। 24 दिसंबर को तुनिशा शर्मा ने सुसाइड कर लिया था। उनकी मौत के मामले में अलीबाबा दास्तान काबुल के एक्टर शीजान खान को गिरफ्तार किया गया। शीजान खान के परिवार ने कुछ दिन पहले मीडिया के सामने आकर ये जानकारी दी कि उन्हें तुनिशा के निधन का दुख है। वो उनकी बेटी जैसी थी, साथ ही शीजान खान को पूरी तरह से बेगुनाह बताया। वहीं अब एक बार फिर से शीजान खान की मां ने इंस्टाग्राम पर तुनिशा की तस्वीरें शेयर कर एक भावुक नोट लिखा है। शीजान खान की मां कहकशा ने इंस्टाग्राम पर 3 तस्वीरें शेयर की हैं। इसमें वो फोटो में तुनिशा को लाट करती हुई नजर आ रही हैं। तीसरी फोटो में दोनों के बीच की चैट भी है। आपको बता दें कि तुनिशा का जन्मदिन 4 जनवरी को था। इसी मौके पर शीजान की मां ने तुनिशा की याद में एक नोट शेयर किया। एक मैसेज में लिखा है कि सो गए। 12 अक्टूबर की चैट में लिखा है कि जब मेरे साथ कोई नहीं खड़ा, मुझे पता है कि आप ही हमेशा खड़े रहोगे। बहुत प्यार करती हूँ आप दोनों से, फिक्र न करें, सब ठीक होगा। इसके आगे लिखा है कि मैं यही हूँ आपके पास। इसके जवाब में शीजान की मां ने लिखा है कि तुम हमेशा खुश रहो बेटा, तुम्हारी सेहत सही रहे, बस आमीन। शीजान खान की मां ने आगे लिखा है कि मेरा बच्चा, आज तुझे 12 दिन हो गए लेकिन सब्र नहीं आ रहा है। तू और तेरी खुशबू, तेरी याद इस घर के हिस्से में बसी हुई है। आज के दिन का हम सभी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमें तुझे इस बार वैसे भी जन्मदिन का सरप्राइज देना चाहते थे। वो आगे लिखती हैं कि जैसे तूने अपने पिता के साथ मनाया था जन्मदिन, वैसा ही सरप्राइज देना चाहते थे। जिस जन्मदिन को तू मिस करती थी, जाने से पहले तूने मुझे उस दिन इतनी बार सॉरी क्यों बोला, अब समझ में आया। और हाँ, मैं यानी तेरी अम्मा और तेरी आपी हमेशा तेरे लिए खड़े हैं, मेरा बच्चा। उन्होंने फिर लिखा कि मुझे सुकून है इस बात का कि जितने समय तू हमारे साथ रही, हम तुझे वो प्यार, वो सुकून, वो खुशी दे सके जो तू डिजर्व करती थी। हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा। फिल्म जगत की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।